हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारा सिलोगिज्म का पार्ट फोर है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी केसेस के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं हम पॉसिबिलिटी केसेस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जहां भी कैन बी आर पॉसिबिलिटी लिखा होगा, समझ जाना वो पॉसिबिलिटी केस है। सम ए कैन बी बी, सम ए बींग बी इज पॉसिबल, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी केसेस के रूल्स हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पॉसिबिलिटी होता क्या है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी। सपोज करो एक बच्चा है ए, बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, बैंक पीओ का एग्जाम भी आने वाला है, एसबीआई पीओ का, वो तैयारी कर रहा है एसबीआई पीओ की अच्छे से। अब मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा क्या तुम बैंक पीओ हो, आर यू ए बैंक पीओ? वो मुझे क्या कहेगा रिप्लाई में, नहीं मैं बैंक पीओ नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं उससे ये पूछूँ क्या तुम बैंक पीओ बन सकते हो, कैन यू बी ए बैंक पीओ, कैन यू बिकम ए बैंक पीओ, तो वो क्या कहेगा? हाँ श्योर बन सकता हूँ। अगर उसका एग्जाम अच्छा गया एसबीआई पीओ का तो बैंक पीओ बन जाएगा, नहीं गया अच्छा तो नहीं बनेगा। तो ये क्या हुआ, ये अभी पॉसिबिलिटी, वो बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, श्योर नहीं है कि वो बनेगा, ये भी श्योर नहीं है कि नहीं बनेगा। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, ही कैन बी बैंक पीओ। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि वो बन सकता है लेकिन है नहीं, हो ये रियल है कि वो है नहीं। तो जो हमने मेथड पहले पढ़े थे वो हम इसलिए नहीं लगा पाते यहाँ पे क्योंकि हमारे पास श्योर नहीं है। जैसे बैंक पीओ का हमने एग्जाम्पल लिया, वो श्योर नहीं है कि वो बनेगा या नहीं बनेगा, बन भी सकता है नहीं भी। इस तरह हम श्योर भी होते हैं इन क्वेश्चंस में कि है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे सपोज हमें दे रखा है सम ए आर बी, ये ए ये बी, ए बी, ठीक है। अब ये हमें दे रखा है, ये जो ए का बचा हुआ पार्ट है और ये बी का बचा हुआ पार्ट है, ये ए का बचा हुआ पार्ट पूरा बी भी हो सकता है, ऑल ए कैन बी बी, ऑल्सो ऑल बी कैन बी ए, लेकिन कैन बी पॉसिबल, हमें पक्का नहीं पता कि ये है या नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। तो यही हमारे पास, इसलिए हम इसके अंदर रूल्स नहीं लगा पाते जो हमने पढ़े थे पहले, इसके लिए हमें वेन डायग्राम से सॉल्व करना पड़ता है। और हम कैसे पढ़ेंगे इसे, सबसे पहले हम वो वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसके अंदर सिर्फ ऑल आता है, फिर वो वाली पढ़ेंगे जिसके अंदर खाली सम आता है, फिर ऑल और सम के ऊपर मर्ज करके, फिर नॉट, फिर सम नॉट, फिर सबको मर्ज करके, जिससे आप अच्छी तरह समझ सकें हर केस को। देखते हैं ऑल केस, सारी स्टेटमेंट ऑल के अंदर होंगी, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये हमें बात गिवन होगा। अब पॉसिबिलिटी केसेस के अंदर ध्यान से देखना, ऑल ए आर बी, ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बी, जितने भी ए हैं वो बी है, ऑल बी आर सी, हमारे को वेन डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाना है इसका। जब पॉसिबल केस है, बन ये बहुत तरीके से सकता है लेकिन बनाना हमें ऐसे ही है। अब क्या रूल है, जब हम पॉसिबिलिटी केसेस में बाहर से अंदर जाएंगे, बाहर से कहां जाएंगे, अंदर, ऑल और सम नॉट के केसेस खाली ट्रू होंगे हमारे पास। और जब हम
अंदर से बाहर आएंगे तो नो पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कोई भी पॉसिबिलिटी अगर दे रखी थी वो रॉन्ग हो जाएगी। नो ये वो वाला नो नहीं है जो हम इसके अंदर यूज करते हैं, ये इसका मतलब है कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर कोई भी पॉसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन दे रखा होगा जब हम अंदर से बाहर आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये रूल, सिर्फ ये रूल से हम ऑल के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम कैसे। ये रूल आपको याद रखना है और मैं आपको समझा देता हूं अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने का मतलब क्या है क्वेश्चन के थ्रू। सपोज मेरा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ऑल हैप्पी आर सेड। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल सेड आर मैंगो। ये स्टेटमेंट दोनों ऑल में है। कंक्लूजन देखते हैं हम, पॉसिबिलिटीज पे हमें क्या क्या दे रखे हैं उसने। सिंपल वाले कंक्लूजन तो आप जो मैंने मेथड सिखाया था 3 मीडियम में उससे हम निकाल सकते हैं, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी कैसे देखेंगे इसके अंदर। फर्स्ट है ऑल सेड कैन बी हैप्पी, सम मैंगो नॉट बींग सेड इज ए पॉसिबिलिटी। सम मैंगो कैन बी सेड सम हैप्पी कैन बी मैंगो। अब क्या रहा है यहां, कैन बी पॉसिबिलिटी, कैन बी कैन बी का मतलब ये चारों क्या है, पॉसिबिलिटी है कैसे। ऑल सेट कैन बी हैप्पी। अब हम जो हमने रूल सीखा था उससे देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं, जैसे मैंने बताया था ऑल हैप्पी आर सेट, ऑल हैप्पी ये हैप्पी है, ठीक है, सैड कितने भी हैप्पी है सैड है, ऑल सैड आर मैंगो, क्या हो गया मैंगो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कहता है वो, ऑल सबसे पहले हम वही एरो भी लगा लेते हैं बाहर से अंदर, ऑल एंड सम नॉट अंदर से बाहर, नो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। अब देखो
इसका मतलब समझना, इस डायग्राम का मतलब क्या है। ऑल सैड कैन बी हैप्पी, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सैड से हैप्पी जा रहे हैं। सैड कहाँ है, यहाँ, हैप्पी कहाँ है, यहाँ। मतलब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, बाहर से अंदर। जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो हमारे पास खाली ऑल और सम नॉट, यही दोनों केस ट्रू होते हैं। ये क्या है, ऑल ट्रू हो गया, सिंपल है ना। सम मैंगो नॉट बींग सेड इज ए पॉसिबिलिटी, मैंगो से हम कहा जा रहे हैं, सेड, मैंगो कहा है बाहर, सेड कहा है अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर में ऑल और सम नॉट, क्या ये सम नॉट ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सम मैंगो कैन बी सेड, मैंगो से सेड, मैंगो से सेड, फिर से हम कहां जा रहे हैं, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, लेकिन क्या है यहां पे, सम, सम नॉट नहीं है, सम है खाली, ऑल और सम नॉट सही होते हैं बस, और सारे गलत। मतलब क्या है, सम हैप्पी कैन बी सेड, अब हैप्पी सम सेड जा रहे हैं, मतलब अंदर से बाहर आ रहे हैं, अब हम हैप्पी से सेड, सम हैप्पी कैन बी, सॉरी सॉरी सॉरी, हैप्पी कैन बी मैंगो, मैंगो अभी भी हम अंदर से बाहर आ रहे हैं, हैप्पी यहाँ है, मैंगो यहाँ है, हैप्पी से मैंगो मतलब अंदर से बाहर, हैप्पी से मैंगो, मैंगो ये है, सैड ये है, हैप्पी ये है, हैप्पी से मैंगो आ रहे हैं, अंदर से बाहर। अंदर से बाहर में क्या है, कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो अंदर से बाहर में तो कुछ भी लिखाओ, ऑल लिखाओ, सम लिखाओ, सम नॉट लिखाओ, नॉट लिखाओ, सब रॉन्ग होंगे। लेकिन जब हम, जैसे ये था सेट से हैप्पी, सेट कहाँ है समझ लो, हम इनको नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम सेट कहाँ है हमारे पास, सेकंड नंबर पे, और हैप्पी कहाँ है फर्स्ट नंबर पे। हम क्या कर रहे हैं, सेकंड से फर्स्ट जा रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर जा रहे हैं, सेकंड बाद में आता है, फर्स्ट पहले आता है, तो मतलब क्या है, बाहर से हम अंदर जा रहे हैं। जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो खाली ऑल और सम नॉट, ये दोनों केसेस सही होते हैं। हमारे पास क्या केस था, ऑल वाला सही हो गया। इस तरह मैंगो को हम नंबरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री, और सेड को करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू। हम फिर से थ्री से टू जा रहे हैं, मतलब अंदर से हम बाहर जा रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, थ्री से हम टू जा रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर जा रहे हैं, थ्री से टू, थ्री से टू, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ सम नॉट ट्रू होंगे, यहाँ पे क्या है, सम नॉट ट्रू हो गया। अब क्या था, सम मैंगो कैन बी सेड, मैंगो कहाँ है, थ्री, सेड कहाँ है, टू, फिर से बाहर से अंदर जा रहे हैं हम, थ्री से टू जा रहे हैं, बाहर से अंदर मतलब ऑल ऑफ सम नॉट से होंगे, लेकिन यहाँ क्या है, सम खाली, सम ऐसे गलत हो गया। अगले हम कहाँ जा रहे थे, सम हैप्पी कैन बी मैंगो, हैप्पी कहाँ है, फर्स्ट, मैंगो कहाँ है, थ्री, वन से थ्री जा रहे थे हम, वन से थ्री मतलब कितना हो गया, अंदर से बाहर, वन टू थ्री, वन टू थ्री, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर जा रहे तो क्या हो जाएगा, नो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यहाँ चाहे सम लिखाओ, चाहे ऑल लिखाओ, चाहे नॉट लिखाओ, चाहे सम नॉट लिखाओ, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। ये तो हमारे पास ऑल का केस, इस तरह हम देखेंगे सम का केस, फिर ऑल और सम के एक साथ क्वेश्चन देखेंगे, फिर सम नॉट नॉट। तो ये आपको याद कर लीजिए बस एक बार, अगर हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी सही होगी, अंदर से बाहर आ रहे हैं तो कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ पॉसिबिलिटी केसेस हैं, जो मैंने, जो भी रियल केस होंगे, अगर यहाँ पे आर होता, ऑल सैड आर हैप्पी, तो हम पहले वाला रूल लगाते, जो हमने पहले तीन वीडियो में देखे हैं, वो रूल यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।